आप में से बहुत लोगों ने मेरे जो स्टॉक्स के कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसपे मैंने अपने कहानी के बारे में बताया है मैं क्या था और क्या आज हूँ मैंने कहाँ से शुरुआत किया था मैं घर से भाग गया था मैंने ढाबे पे काम किया उसके बाद सिकंदराबाद में मैं कबाड़ बीन रहा था और धीरे धीरे जाकर मैं सफल हुआ तो वो क्या क्या चीजें मैंने अपनी जिंदगी में की जिससे मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ मेरी अंग्रेजी इंप्रूव हुई मैं वो सारी चीजें आप सबके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपनी अंग्रेजी और अपना कम्युनिकेशन सुदृढ़ कर सकें और यकीन इंप्रूव कर पाए तो मेरे दोस्तों स्कूल्स कॉलेजेस को इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल जैसे वर्कशॉप्स जैसे प्रोग्राम्स करिकुलम का एक हिस्सा होना चाहिए जिस तरीके से रेगुलर सब्जेक्ट्स के क्लासेस होते हैं उसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स के भी रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए जिस तरीके से हम बराबर इवेलुएशन करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स का उसी तरीके से इवेलुएशन होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर भी इंग्लिश पर भी इवेलुएशन होना बेहद ज्यादा जरूरी है और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप ले सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए भी हैं जैसे ड्रामा क्लब डिबेट क्लब और भी बहुत कुछ लेकिन सिर्फ इनिशिएटिव लेने से काम होगा क्या बिल्कुल नहीं तो मेरे दोस्तों मैं क्या करने जा रहा हूं मैं आपको एक प्लान ऑफ एक्शन शेयर करने जा रहा हूं जिससे स्कूल कॉलेजेस ये इंश्योर कर सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द अटेंडीस आर इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे कर सकते हैं पॉइंट नंबर वन नीड असेसमेंट एंड गोल सेटिंग एक कॉम्प्रहेंसिव

एड्रेस कर सके पॉइंट नंबर थ्री क्वालिफाइड फैसिलिटेटर्स एंड रिसोर्सेस। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था स्विमिंग का। ठीक उसी तरीके से ये प्रोग्राम्स रन कौन करेगा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वेल well क्वालिफाइड हो इंडस्ट्री से हो एक्सपर्ट हो ऐसा नहीं कि आपने किसी से भी आपने ये प्रोग्राम डिसाइन करवा लिया और डिलीवर करवा लिया और अगर नहीं है तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं आप उनके एक्सपर्ट्स को आप हायर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए आपके पास स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए टेक्स्ट बुक होने चाहिए और कुछ ऑनलाइन स्टफ्स भी होना चाहिए जिससे बच्चा इंडिपेंडेंट लर्निंग भी कर सके पॉइंट नंबर फोर स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सेशन होने चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं रोल प्लेस डिबेट्स पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जिससे आप एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रहे होंगे पॉइंट नंबर फाइव रेगुलर फीडबैक एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म आपको बनाना होगा जो ट्रैक कर सके स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को जिससे आपको यह पता चल सके कि क्या वो इंप्रूव कर रहा है पहले क्या लेवल था और अभी क्या उसका लेवल है तो फीडबैक मैकेनिज्म होना बेहद जरूरी है पॉइंट नंबर सिक्स इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फील करें तो मैं आपको बताऊं मैं क्या करता हूं मैं जहां कहीं भी ट्रेनिंग्स कराता हूं या फिर वर्कशॉप कराता हूं सेशन में हर एक सेशन में मैं छोटे छोटे पार्टिसिपेशन रखता हूं और जो कोई भी उस चीज में पार्टिसिपेट करता है अच्छा करता है मैं उसको चॉकलेट देकर उसको रिकोगनाइज करता हूं इस तरीके से मैं उनको मोटिवेट करता हूं आपको एक और बता दूं अपने ट्रेनिंग के फाइनल डे यानी कि लास्ट डे या वर्कशॉप के लास्ट डे में मैं ऑनर रिकोगेशन सेरेमनी करता हूं उसमें मैं क्या करता हूं वो बच्चा जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसको अपकमिंग स्पीकर का रिकोगनीशन देता हूं और जो बहुत उमदा परफॉर्म करता है उसको आउटस्टैंडिंग स्पीकर का और वो बच्चा जो आउटस्टैंडिंग स्पीकर का रिकॉग्निशन जिसको मिलता है वो मेरे साथ स्टेज शेयर करता है एज अ मोटिवेशन स्पीकर किसी भी यूनिवर्सिटी इन्विटेशन आते हैं स्कूल से यूनिवर्सिटी से मोटिवेशनल टॉक्स डिलीवर करने का और मैं उन टॉक्स में उस बच्चे को एज अ स्पीकर लेकर जाता हूं तो ये क्या है ये एक तरीके का एक थप्पा लग जाता है उस बच्चे पर कि वो भी अब एक स्पीकर है और वहीं से उसकी दिशा और दशा बदल जाती है तो इसलिए इंसेंटिवाइज करिए रिकोगनाइज करिए बच्चों के एफर्ट्स को भले छोटे छोटे चीजों को आप इस्तेमाल करें लेकिन वो बेहद जरूरी है पॉइंट नंबर सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरमेंट होना चाहिए मैं तो देखता रहता हूं बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जब मैं वर्कशॉप कराता हूं तो वहां की जो फैकल्टीज होती हैं वो कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग्स को पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग्स को अंडर वैल्यू करती हैं और वो थोड़ा सा धमकाते हैं थ्रेटन करते हैं क्या कहते हैं कि भाई अगर तुम इसमें ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम्हारा केमिस्ट्री में तुम्हारा नंबर कम हो जाएगा तुम्हारा ज्योग्राफी में नंबर कम हो जाएगा तो वो एक तरीके का रिस्क स्टूडेंट्स को महसूस होने लगता है तो क्या होना चाहिए एक रिस्क फ्री एटमोस्फियर बनाकर स्टूडेंट्स को देना होगा कि वो जितनी शिद्दत से वो और सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है उतनी ही शिद्दत से वो कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान दे तो इसलिए एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है पॉइंट नंबर एट पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें वर्कशॉप्स के थ्रू या फिर उनको न्यूज लेटर्स भेजकर इसलिए जरूरी है ताकि पेरेंट्स को भी पता चलता रहे कि इस तरीके के वर्कशॉप्स का क्या महत्व है पॉइंट नंबर नाइन मॉनिटरिंग इन्वेलुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेगुलरली आप असेसमेंट आप करते रहे इवेलुएट करते रहे जिससे आपको यह पता चलता रहे कि स्टूडेंट क्या प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं अगर नहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं तो क्या वजह है एक एनालिसिस की जरूरत है तो इसलिए मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है डेली अटेंडेंस ट्रैक करें पार्टिसिपेशन चेक करें और देखें उनका पार्टिसिपेशन लेवल क्या है अगर ये प्लान ऑफ एक्शन स्कूल कॉलेजेस डिलीजेंटली इंप्लीमेंट कर लें तो मेरे दोस्त जो कॉन्फिडेंस जो कम्युनिकेशन हम एक स्टूडेंट के अंदर देखेंगे वो बेहद बेहतरीन होगा और वो स्टूडेंट उस दिशा के तरफ अग्रसर बढ़ रहा होगा वो वहां पहुंचेगा जहां हम आप हर कोई पहुंचना चाहता है कहा जिसे हम एस एस -E कहते हैं Success. क्या डेली अपने दिन के सिर्फ पंद्रह मिनट दे सकते हैं हाँ जी सिर्फ पंद्रह मिनट और बदले में मैं आपको क्या दूंगा मैं आपको दूंगा वरदान इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने का जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जो स्टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग आपके बारे में जहां पर रोजाना केवल पंद्रह मिनट देकर लाखों स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं सिर्फ क्लासेस और लेसन से नहीं इस आप में आपको मिलेगा मौका अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ इंग्लिश में अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है और इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है एक सही माहौल का होना आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे मेरे साथ इस कोर्स में जुड़े अभी जो स्टॉक इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें